हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनीता जी का किचन में। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे का बिस्किट। तो आइए, चलिए बनाते हैं आटे के बिस्किट। आटा के बिस्किट बनाने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम बिस्किट बनाएंगे और जो आप बिस्किट बनाइएगा वो कैसा खास्ता बनेगा कि नहीं, आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। तो देखिए ये कितना खास्ता है बिस्किट, देख सकते हैं पूरा अंदर तक खास्ता है ये। और ये बिस्किट बनाना बेहद आसान है। तो आइए हम झटपट बनाते हैं ये आटे का बिस्किट और आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जाके बेकरी से ख़रीद के लाते हैं, तो ये घर पे भी ये बिस्किट बनाना उतना ही आसान है। और आप इस तरीके का बेक किया हुआ कुकर में बना सकते हैं बिस्किट। कुकर, कढ़ाई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस चीज़ में बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना खास्ता है बिस्किट, बेकरी जैसा। आज मैं आपको बेकरी पे कैसे बनाया जाता है बादाम वाला बिस्किट, इसका हम तरीका बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हम मैदा ले लेंगे, छान के लेंगे, एक चम्मच, ये दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच। देखिए हम सारा कुछ हम नाप के लेंगे चम्मच से, आप कोई सा भी चम्मच ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आप लीजिएगा। तो चार चम्मच हम मैदा ले लिए हैं और चार चम्मच सूजी ले रहे हैं। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा या बारीक। चार चम्मच मैदा, चार चम्मच सूजी और एक चम्मच हम डाल रहे हैं खाने वाला सोडा। आप इसके जगह पे बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहीं पे हम चीनी पिसा हुआ डाल रहे हैं, इसे छान के हम रख लिए हैं, पीस के या छान लिए हैं। तीन, चार, चीनी को भी हम मिक्स कर देंगे। अब यहीं पे हम चम्मच से डालेंगे देसी घी पिघलाया हुआ। चार चम्मच हम डाल चुके हैं देसी घी, पांच, छः, सात, डबल डालेंगे हम देसी घी। जैसे कि हम सामान लिए हैं चार चार चम्मच का, तो देसी घी हम आठ चम्मच डालेंगे डबल मात्रा में। अच्छा से हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे घी में। ये जो हमारा बिस्किट के लिए हम डो रेडी कर रहे हैं, गुड्डे बिस्कुट जैसा टेस्ट लगता है और आप बेकरी से कई बार खरीदे होंगे। देखिए आपका ये मिश्रण आप हाथों से पहले मिक्स कीजिएगा, अगर सूखा लगे तो थोड़ा सा एक दो चम्मच इसमें बाइंडिंग के लिए डाल सकते हैं दूध, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, नहीं तो गीला हो सकता है। अच्छा से मिला देंगे। देखिए दोस्तों, जो हम बताए हैं आपको चम्मच से हिसाब, उसी हिसाब से बनाइएगा, आपका बेकरी जैसा बिल्कुल सेम बिस्किट बनेगा। और देखिए यहाँ पे हमारा ये जो है डो, वो बाइंडिंग नहीं हो रहा है, यही हमें चाहिए। ये हमें जैसे खसखस आपको दिख रहा है ना खास्ता, तो ये बिस्कुट के लिए बहुत ही बढ़िया डो है। इसे आप 5 मिनट के लिए इस तरीके से थपथपा के और रख दें रेस्ट पे, कि जो सूजी है वो अच्छा से दूध पी ले। उसके 5 मिनट के बाद हम इसे खोल के और बिस्किट बनाते हैं। तो देखिए हाथों में थोड़ा सा घी लगा लें, इस मिश्रण में से लेंगे और इस तरीके से पहले गोल करेंगे, जोड़ के इस तरीके से हम गोल लड्डू के जैसे बनाएंगे पहले, और उसके बाद हम इसे फ्लैट कर देंगे हाथों पर रख के। देखिए कैसे इस तरीके से फ्लैट कर देंगे, ये देखिए। ज़्यादा हमें मोटा नहीं रखना है इसे, और ये जो इसका किनारा है ये हम इस तरीके से गोल शेप देंगे, ना ही पतला ना ही मोटा, बिल्कुल गोल गोल राउंड शेप में इसे हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लें। ये देखिए इस तरीके से, कि आपका बिस्किट चिपके ना। पाँच मिनट रेस्ट पर रखने के बाद में ये हुआ है कि जो हमारा दूध था वो अपना कमाल किया है, सूजी के साथ फूल सूजी को फुला दिया है
और बाइंडिंग होने में भी काम कर रहा है। और देखिएगा कितना खास्ता बिस्किट बनेगा इसका। ऐसे कीजिए राउंड राउंड और उसके बाद आप चपटा कर दीजिए। ये देखिए जिस साइज का बेकरी में बिस्किट मिलता है उसी साइज का आप बना सकते हैं, छोटा बड़ा भी बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए दोस्तों प्लेट में जब आप लगाएं बिस्किट को तो गैप रखें क्योंकि बिस्किट फूलेगा, तो इसीलिए आप साइड से भी गैप रखें और ज़्यादा नहीं आएगा, एक बार में 3 से 4 आएगा। तो मैं 3 रखी हूँ और इसके ऊपर मैं लगाती हूँ कटा हुआ बादाम, जो कि आप बादाम खाते होंगे बेकरी वाला बिस्किट में आपको मिलता है, सेम वैसी टेस्ट लगेगा आपको। इस तरीके से बादाम हम डाल के चिपका देंगे, आपको जितना ही बादाम डालना है डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम लगा रही हूँ, आप काजू वाला बिस्किट बना बादाम वाला बिस्किट, थोड़ा सा इसे दबाएं जरूर। तो ये देखिए दोस्तों हम 10 मिनट पहले चूल्हे को जला दिए हैं और जला के इसमें 1.5 kg बालू यानी कि रेता को गर्म कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छा से हम छान के रेता को लिए हैं, और रेता की जगह पे आप नमक भी ले सकते हैं। इसमें हम एक कटोरी डाल दिए हैं, आप कोई सा भी स्टैंड डाल सकते हैं। इस तरीके का चिमटे का इस्तेमाल कर इस तरीके से ले जाके रख दें और धीरे से ये निकाल लें। इस तरीके से बढ़िया से आप इसे सेट कर लें, करेंगे हम फिर से। हम कुकर का ढक्कन लगा दिए, इसमें भीषण नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब तक हमारा एक बिस्किट बेक हो रहा है तब तक हम दूसरा प्लेट रेडी कर ले रहे हैं। डिजाइन वाला भी बना सकते हैं बिस्किट, ये आपके पसंद के ऊपर है। तो इस तरीके से बनाइएगा तो बिल्कुल गुड्डे जैसा दिखेगा आपको, और बना बना के रखते जाइएगा। और ये देखिए हम गोल कर लिए हैं, और आपको सेम गुड्डे का डिजाइन चाहिए तो ये फोक का ऊपरी हिस्सा पे दबाएं इस तरीके से, थोड़ी थोड़ी दूरी पे बढ़िया से दबाएं और आपको गुड्डे। देखिए दोस्तों हम इतना सारा बिस्किट बना चुके हैं, ये बादाम वाला, ये गुड्डे का डिजाइन में, और इधर हमारा बिस्किट का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसे चेक कर लेते हैं, हमारा टाइम भी हो चुका है 10 मिनट, चेक कर लेते हैं। बहुत ही सावधानी से चेक करें क्योंकि गर्म है। तीन मिनट के बाद हम खोल के चेक करते हैं। बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर हो गया है, तो इसे हम सावधानी से निकाल लेते हैं, जिधर बिस्किट नहीं है उधर ही पकड़ेंगे और निकाल के ऐसे साइड करेंगे। अभी इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और दूसरा प्लेट हम रख देंगे। दूसरा प्लेट हम उसी तरीके से सेम टाइम चेक करके और बनाएंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों बनाना। देखिए हम दोबारा जो बिस्किट डाले थे वो भी कितना अच्छा पक गया है, बहुत अच्छा बेक हुआ है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और देख सकते हैं बिल्कुल गुड्डे के जैसे सेम बेक होके तैयार हो गया है। ये तो दोनों प्लेट हमारा ठंडा हो चुका है, अब मैं आपको दिखाती भी हूँ कि जो बिस्किट है कैसा बना है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन बिस्किट बना है, ये देखिए। अब ये बिस्किट दोस्तों खाने के लिए तैयार है।